हेलो गाइस, मैं ललिता मिश्री मेक ओवर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, जो नए मेरे न्यू फ्रेंड हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस, आज मैं अपने फ्रंट हेयर का अपने हाथों से काटने वाली हूँ। सेल्फ कह सकते हैं आप, पार्लर में ना जाएं, खुद ही अपने हाथों से हेयर कट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बैंग्स कैसे बना सकते हैं, कैसे कटिंग कर सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गाइस, पहले हम हेयर को फ्रंट से डिवाइड कर लेंगे। मुझे अपने हेयर बहुत आगे से बहुत लॉन्ग हो रहे हैं, तो मुझे तब कटवाने हैं, काटने हैं। आप लोग भी एक डिवाइड कर लीजिएगा पहले हेयर को, फिर जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं, पीछे के हेयर, इनको आप टक कर लीजिए क्लिप या रबड़ की हेल्प से। ये हमने डिवाइड किया, आप देख सकते हैं ये मैंने डिवाइड किया। अब उसके बाद हम यूं करके ए शेप में अपने फ्रंट के हेयर लेंगे, दोनों तरफ से ए शेप में। ये देख सकते हैं गाइस, ये गाइस मेरे हेयर सीधे हैं। अगर किसी के हेयर बहुत ही कर्ली हैं, होते हैं बहुत ही कर्ली हैं, और वो अपने बैंगल्स काटने कटिंग करना चाहते हैं खुद ही, तो पहले अपने हेयर को अच्छे तरीके से मशीन से प्रेस कर लें, ठीक है, स्ट्रेट कर लें अपने हेयर को, फिर उसके बाद जाके कटिंग करना। तो ये मैंने ये किया, जितना मुझे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, जितना आपको चाहिए लेंथ, जितना शॉर्ट या लॉन्ग, जितना भी आपको चाहिए आप उतनी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं कटिंग करने वाली हूँ अपने हेयर। नोच मुझे समझ भी नहीं आ रहा है एक्चुअली, मुझे बहुत डर लगता है हेयर कटिंग करने में, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है। आज पता नहीं क्यों इतना मूड कर रहा था बहुत लंबे टाइम से कि मैं अपने बैंग्स खुद काटूं और आप लोगों को भी बताऊं कि आप अपने ही हाथों से कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने ये किया, उसके बाद मैं इसको यूं करके ट्विस्ट कर लूँगी। ट्विस्ट करने के बाद जितनी हमें लेंथ चाहिए, छोटी बड़ी, अभी हम लॉन्ग काटते हैं, अगर मुझे छोटी चाहिए होगी तो मैं फिर उसे छोटी लेंथ कटिंग कर दूँगी। तो ये मैंने यूं करके कटिंग कर दी। हाय, ये देखिए ये मेरे हेयर कट गए। देखिए गाइस, आई नो लॉन्ग है, हम इसे सेट करेंगे, अभी सेट करने में बहुत ही लगेगा, बहुत कटेंगे अभी, तो हम करेंगे इसको सेट। ये लॉन्ग है, आई नो, मुझे थोड़ा सा और कटिंग करनी है। हम इसको यूं करके फिर ट्विस्ट कर लेंगे। आपको जितनी लॉन्ग चाहिए, जितनी शॉर्ट चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है, ठीक ठीक रखनी है लेंथ। ये किया, कटिंग करने के बाद आप इसे नूचिंग कर लें।
स्मूथिंग कर लें प्रॉपर तरीके से। देखिए गाइस, वाओ बहुत प्यार लग रहा है। आई नो लॉन्ग है, मुझे ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है, ठीक है। वैसे है थोड़ा सा लॉन्ग, बट हम इसको और कटिंग कर लेंगे। इसको यूं करके आप ट्विस्ट कर लीजिएगा, ट्विस्ट करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लीजिएगा, नूचिंग कर लीजिएगा, फिर कटिंग कट करके। ये देखिए गाइस, वाओ मुझे ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करने हैं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करने हैं। अभी हम और हेयर जो हमने यहाँ पे टक कर रहे हैं इनको लेंगे, फिर करेंगे। अब हमने इसको यूं किया, उसके बाद हमने अपने हेयर यहाँ से लिए। यहाँ से लेने के बाद जो हमने यहाँ पे कटिंग करी है ना, ये जो हमने कटिंग करी है इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद यूं करके नीचे की तरफ लगाएं कैंची को, यूं करके करना है, यूं करके कटिंग करनी है। अब वैसे ही अब यहाँ वाले हेयर कटिंग करेंगे। हम अपने बैंग्स खुद बना सकते हैं, खुद कटिंग कर सकते हैं हम। ये देखिए, यहाँ से हेयर जो हमने कटिंग करी है ना गाइज, उसको ले लीजिएगा। उसके बाद आप इसको यू करके कटिंग कर लीजिएगा। सो अमेजिंग, वाओ। अब मुझे ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, आई नो ये लॉन्ग है, मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने क्योंकि मुझे यूं करके टंग ऐसे जो ये आ जाए ऐसे भी, और ऐसे मैं जो हेयर करूँ ऐसे भी आ जाए, इसलिए मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए। बट अगर मैं शॉर्ट करूँगी तो आई नो बहुत अच्छा लगेगा ये। अब जो हमारे यहाँ के हेयर है ना लॉन्ग, इसको हमने जो अभी कटिंग करी थी, आप यहाँ से ले लें लेंथ, यूं करके कटिंग कर लें। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से ये लेना है, उसके बाद हमने इसकी भी कटिंग यूं करके करनी है, शॉर्ट फिर लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग यूं करके। भाई हाथ उल्टा हो रहा है ना, तो इसीलिए कैंची बैठ नहीं पा रही हूँ उससे, बट आप ऐसे कर सकते हैं। वाओ, अगर आपको गाइस अगर आपको और छोटे चाहिए तो आप अपने बैंग्स आगे से और छोटे कर सकते हैं। मैं इनको और कर देती हूँ थोड़ा सा, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा
ये देखिए गाइस, वाओ आई नो आपको लॉन्ग लग रहे होंगे बट मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, लॉन्ग ही चाहिए ताकि मैं ऐसे यूं करूं तो ऐसे भी हो जाए। बट ये मेरा नया लुक है, मैंने पहली बार मैं बैंग्स कर रही हूँ वो भी इतने शॉर्ट में। लॉन्ग तो बहुत किए हैं बट इतने शॉर्ट में पहली बार बैंग कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस मुझे बताना कि मेरे फेस पे बैंग कैसी लग रही है, शॉर्ट हेयर कैसे लग रहे हैं। गाइज नोचिंग करना ना भूलिएगा, बस नोचिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हेयर जब लॉन्ग होते हैं तो वो मिक्स हो जाता है और अच्छे भी अच्छे लगते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता, अच्छे दिखते हैं। ये गाइज देख लीजिए, ये पीछे आपको कैसा लगा मेरा फाइनल रिजल्ट प्लीज़ बताइएगा। मैं अभी आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने हेयर सेट करके। सो गाइज माय फाइनल लुक कैसे लग रहे हैं आपको मेरे फेस पे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। गाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को नए लुक में देख के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए गाइज मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।